हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी इमेज को ऑटोमेटिक ट्रेस करना सीखेंगे ऑटो कैड के अंदर। और मैं हूं हेमंत चौहान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैड गुरु में। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो आप किसी भी इमेज को ऑटो कैड के अंदर ऑटोमेटिक ट्रेस कर सकते हैं। तो सपो अभी मेरे पास ये इमेज है, ये फरारी का लोगो है। आप कोई भी इमेज को भी कोई भी इमेज को ट्रेस कर सकते हो। तो हमें इस इमेज को ऑटो कैड के अंदर ट्रेस करना है। तो हम कैसे ट्रेस करेंगे? तो सबसे पहले हमें अपना नेट ओपन करना पड़ेगा। आप सबसे पहले गूगल पे जाएं और गूगल पे जाते ही आप सबसे पहले टाइप करें कि आप इमेज, कोई भी इमेज फॉर्मेट को, चाहे वो PNG में हो, चाहे वो JIFI में हो, चाहे वो JPG में हो। अगर आपकी इमेज JPG के अंदर है तो आप लिखोगे JPG, तो DXF। हमें किसी भी इमेज फाइल की फॉर्मेट को DXF में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मेरी जो फाइल है वो JPG के अंदर है, तो मैं उसे DXF में कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने लिख दिया JPG तो DXF, और आपके सामने ये एक लिंक ओपन हो जाएगा convertio.co JPG to DXF। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ चूज़ फाइल के अंदर जाएंगे और जहाँ पे भी आपने अपनी फाइल को सेव कर रखी है वहाँ से आप अपने फाइल को इसके अंदर ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने चूज़ फाइल कर लिया है और मेरी फाइल जो मैंने सेव कर रखी है वो डेस्कटॉप पे कर रखी है, और ये रही मेरी फाइल। ठीक है, मैंने इसे सिलेक्ट किया, अब ये यहाँ पे कन्वर्ट होने लग गई है। ये देखिए, यहाँ पे इसमें कन्वर्ट होने में कुछ टाइम लगेगा। कन्वर्ट होते ही आप इस फाइल को डाउनलोड कर लें, और इमेज डाउनलोड करने के बाद आपको अपना ऑटोकैड ओपन करना है। और यहाँ पे आप जाओगे ओपन फाइल के अंदर, आप ओपन फाइल करें, यहाँ पे आपको अपना फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है कि आपने DXF में फाइल को डाउनलोड किया है। यहाँ पे जो आपकी DXF फाइल होगी उसे आप सिलेक्ट करें और ओपन कर लें। जैसे ही आप ओपन करोगे तो जो आपकी इमेज है उसकी ट्रेसिंग अपने आप ही हो जाएगी। ये देखो, तो ये हमारा जो लोगो था फरारी का, उसकी इमेज ट्रेस हो गई बिल्कुल, और वो भी लाइन ऑब्जेक्ट के अंदर। ये देखो पॉलीलाइन की, सब पॉलीलाइन में सेव रखी है सारी, और सारी डिटेलिंग के साथ। तो इस तरह हम कोई भी इमेज को हम ट्रेस कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को दूर करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।